रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग को 69 दिन हो गए, लेकिन मारियोपोल में रूसी सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी मिसाइलों और टैंकों के गोलों की मार झेल रहा मारियोपोल अब भी जंग की आग में झुलस रहा है। हालांकि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कई दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन वहां के अजोवस्टाल स्टील प्लांट के पास लड़ाई जारी है। बताया गया कि अब भी स्टील प्लांट में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं, और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने एक बार फिर स्टील प्लांट पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके लिए उन्होंने अपने खतरनाक ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया और अजोवस्टाल स्टील प्लांट पर कई रॉकेट दाग दिए। रूसी सेना के हमले के बाद स्टील प्लांट के कई हिस्सों से धुआं उठता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूस के सैनिकों ने कई और रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दागे। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा मारियोपोल शहर थर्रा उठा। रॉकेट के धमाके रह रहकर शहर में सुनाई देते रहे। बताया गया कि रूसी सेना के इन भीषण हमलों के बीच ही अजोवस्टाल स्टील प्लांट में छिपे कुछ नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वहां छुपे यूक्रेन के सैनिक बाहर नहीं निकले, जिन्हें हथियार डाल देने के लिए करीब 2 हफ्ते पहले ही रूसी सेना की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी थी। जब उन्होंने अजोवस्टाल स्टील प्लांट को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, लेकिन शहर से खदेड़े गए यूक्रेन के सैनिक भागकर स्टील प्लांट में छिप गए। बस उसके बाद से ही रूसी सेना और उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने अजोवस्टाल स्टील प्लांट को घेर लिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने तो यूक्रेन के सैनिकों को साफ चेतावनी दे दी थी कि वो हथियार डाल दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मोर्चा संभाले रखा। साथ ही जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश भी की कि रूस की सेना और चेचन लड़ाके स्टील प्लांट में छिपे उनके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जबकि रूस ने उन पर पलटवार करते हुए ये कह दिया था कि यूक्रेन के सैनिक ही अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब रूस की सेना की कोशिश अजोवस्टाल स्टील प्लांट पर पूरी तरह कंट्रोल करने की है, ताकि वो पूरे मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर सके। इस बीच रूस ने अपने बेहद आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाया। रूस की सेना ने उस इलाके का एक वीडियो भी जारी किया जहां इस सिस्टम को तैनात किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि रूसी सेना का एक शक्तिशाली रडार स्टेशन और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात किया गया। जिस जगह पर रूस के बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया, वहां कुछ रूसी सैनिक भी हथियारों के साथ दिखाई दिए। 2 सैनिक तो कंधे पर रखकर वार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के साथ पूरी मुस्तैदी से वहां खड़े नजर आए। इसके बाद एक सैनिक उस बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया जिसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम को फिट किया गया, और फिर ये दिखाया गया कि रडार की सीमा में आए किसी लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल को कैसे पल भर में ढेर कर दिया जाता है। रडार से कमांड मिलते ही गाड़ी के अंदर बैठे सैनिक ने बटन दबाया और एक मिसाइल तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया, और वहीं पर एक बार फिर इसकी ताकत को परखा गया। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इसका वीडियो जारी करके एक तरह की चेतावनी भी दे दी, क्योंकि S-300 को दुनिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और यह दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है जो आसानी से मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है, और एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद यह ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें तबाह कर देता है। उधर रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह वाले शहर ओदेसा पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ओदेसा में मिसाइल से हमला करके एक रिहायशी इमारत को धराशायी कर दिया। बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके बेसमेंट में 5 लोग छिपे हुए थे जो मिसाइल से हुए हमले की चपेट में आ गए। ओदेसा प्रशासन ने बताया कि धमाके की चपेट में आने से एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। मिसाइल का हमला कितना भयानक था इसे इमारत की हालत को देखकर समझा जा सकता है। बड़ी सी इमारत का बीच का एक हिस्सा पूरी तरह से मलबे में बदला दिखाई दिया। धमाके के बाद वहां आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मिसाइल हमला इतना भीषण था कि उसने आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें इमारत के बगल में ही बना एक चर्च भी शामिल रहा। यूक्रेन के मुताबिक मिसाइल से हुए धमाके के असर से चर्च की छत ध्वस्त हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसी इमारत को हुआ जिससे मिसाइल सीधे टकराई।
जिसके बाद इमारत के एक बड़े हिस्से के परखचे तो उड़ ही गए, वहां भीषण आग भी लग गई। हमले की खबर पाकर वहां पहुंची राहत बचाव की टीम ने बिल्डिंग के धराशायी हो चुके हिस्से में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। पाइप से पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं। कोशिश यही रही कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों में पहुंचने से पहले ही आग बुझा दी जाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही आग ने इमारत के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कई घंटों की कोशिश के बाद राहत बचाव की टीम ने वहां लगी आग को बुझा दिया। लेकिन इमारत पर किया गया मिसाइल हमला ओडेसा में किया गया अकेला हमला नहीं था, बल्कि रूसी सेना ने वहां एक ही दिन में तीन जगहों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें ओडेसा के पश्चिम में पड़ने वाली नीस्तर नदी पर बना एक पुल भी शामिल है। बताया गया कि काला सागर में जाकर गिरने वाली इस नदी पर बने पुल को हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा, जो कि यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये पुल ओडेसा के पश्चिम के इलाकों को रेलवे और हाईवे से जोड़ने वाला इकलौता पुल था। बताया गया कि अगर ये पुल पूरी तरह तबाह हो जाता तो फिर रोमानिया से समंदर के रास्ते आने वाले हथियारों की खेप और दूसरी मदद ओडेसा तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। वहीं डॉनबास में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके लिए रूस ने बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिन्हें काला सागर के किनारे से लॉन्च किया गया। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना क्रूज मिसाइलों की बरसात करती दिखी। वीडियो के एक हिस्से में एक बड़े मैदान में तीन कोस्टल मिसाइल सिस्टम दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड के अंदर उनसे आग उगलती हुई एक के बाद एक तीन घातक क्रूज मिसाइलें दागी गईं, जो पलक झपकते ही आसमान में पहुंचकर बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ गईं। बताया गया कि ये क्रूज मिसाइलें बेहद ताकतवर हैं, जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह कर देती हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। उधर पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी और रूस के खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 34 जेलेंस्की की सेना पर आफत बनकर टूट पड़े, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक सुखोई 24 लड़ाकू विमान यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर बम बरसाता दिखाई दिया। इस विमान से गिराए गए बमों के फटते ही वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, बमों से तबाही मचाने के बाद रूस का फाइटर जेट शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा, जिसका मकसद हमले के वक्त दुश्मन की ओर से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को चकमा देना होता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल आम तौर पर गर्मी की तरफ जाती है और ऐसे में विमान से छोड़े गए आग के ये शोले उसे मिसाइल का निशाना बनने से बचा लेते हैं। वहीं यूक्रेन को तुर्की से मिले लड़ाकू ड्रोन रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायख्ताश TB2 से हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इन ड्रोन की मदद से सटीक निशाना साधकर दागी गई मिसाइलें रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करती दिखाई दी। दावा है कि ये ड्रोन अब तक रूस के कई टैंकों को तबाह कर चुका है और सिर्फ जमीनी जंग में ही नहीं, काला सागर में भी ये ड्रोन यूक्रेन का खेवनहार साबित हो रहा है। एक दिन पहले इसी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने काला सागर में गश्त लगा रही रूस की दो जंगी नावों पर हमला किया था और अपने सटीक निशाने से उन्हें ध्वस्त कर समंदर में डुबो दिया था। यही वजह है कि जंग की शुरुआत से ही तुर्की के इन बारख्ताश TB2 ड्रोन की यूक्रेन में भारी मांग है, क्योंकि इनका निशाना तो सटीक है, इसके साथ ही ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं और 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। यही नहीं, ये ड्रोन 150 किलो का वजन उठा सकते हैं और चाहे दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन के ठिकानों को लेजर गाइडेड मिसाइलों के जरिए निशाना बना सकते हैं। दावा है कि पिछले दिनों यूक्रेन ने इसी ड्रोन की मदद से रूस की सीमा में 150 किलोमीटर तक अंदर घुसकर ब्रयांस्क शहर में तेल डिपो तबाह किए थे। ये रूसी जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के बेहद करीब देखा गया और दावा किया गया कि जहां ये रूसी जहाज देखा गया वहां अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेस और रणनीतिक तौर पर अहम एयरपोर्ट मौजूद है। और अमेरिकी मीडिया ने यह दावा इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके की निगरानी करने वाली अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के हवाले से किया। अमेरिका के समुद्र में यह रूसी जहाज ऐसे वक्त में नजर आया जब हाल के दिनों में रूस की ओर से कई बार युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा चुकी है। इसीलिए रूसी जहाज की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही अमेरिकी सेना को भी अलर्ट कर दिया गया और खबर है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गईं कि ये जहाज वहां किस मकसद से पहुंचा और उसमें मौजूद लोगों की किनसे बात हो रही है।
इसका पता लगने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इस रूसी जहाज का अमेरिका के समुद्र के पास पहुंचना कहीं किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हवाई के पास समुद्र में जिस जगह रूसी जहाज दिखा वो इलाका किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और अपने जहाजों को अमेरिका के समुद्र के पास भेजना रूस का कोई नया पैतरा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले मई 2021 में भी एक रूसी जहाज हवाई राज्य में अमेरिकी नौसेना के बेस के पास पहुंच गया था, जबकि उसी साल जून में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान भी रूसी नौसेना के कई जहाज अमेरिकी राज्य हवाई के समुद्री तट के काफी करीब से होकर गुजरे थे।